अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। दोस्तों आज हम देखेंगे कि ग्लिटर हेना रेसिपी, इसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये हेना हमारे हाथों पर कितनी देर रहेगा, क्या इसका स्टेन आएगा, क्या इसको वॉश करने के बाद भी रिमूव होगा या नहीं, आप लोगों के बहुत सारे सवाल इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। तो देर किस बात की है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हम ले लेंगे, ये है ग्लिटर बॉक्स और ये है जेल की पैकेट। ग्लिटर आप कौन सा भी कलर वाला यूज कर सकते हैं, मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हम एक बाउल में जेल को ले लेंगे। मैं यहाँ पर हेयर पर अप्लाई करने वाला जेल पैकेट, ये मेरे पास था तो इसका ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसके रिप्लेस में बॉडी जेल, हेयर जेल, जो भी आपके पास रहे वो यूज़ कर सकते हैं। इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये पेस्ट थोड़ा लूज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम ग्लिटर को ऐड करेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। ये ग्लिटर हर कलर में अवेलेबल रहता है, बस ये शाइनिंग वाला होता है। आपको ये कहीं भी लेडीज़ कॉर्नर्स में इजीली मिल जाएगा और इसका कास्ट भी बहुत कम रहेगा। ये देखें इस तरह, इसकी कंसिस्टेंसी भी मीडियम से रख लीजिएगा, ज़्यादा लूज नहीं और ज़्यादा टाइट नहीं। बस दो ही इंग्रेडिएंट से बना ये सिंपल सा ग्लिटर है ना रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम इसको कोन के अंदर फिल करके किस तरह अप्लाई करना होगा वो देखेंगे। आप लोगों के पूछे जाने वाले सवाल थे कि क्या ग्लिटर हेना के अंदर हम हेना को ऐड नहीं करते, तो जी नहीं, ग्लिटर हेना में सिर्फ और ग्लिटर होगा और कोई भी जेल, आप कौन सा भी जेल यूज़ कर सकते हैं। क्या ये हेना हमारे हाथों पर परमानेंट रहेगा, क्या इसे स्टेन आएगा, तो जी नहीं, ये हमारे हाथों पर परमानेंट नहीं रहेगा। बस ये एक हमारे हाथों पर टेम्पररी टैटू के तरह रहेगा। आप इसको हेना अप्लाई करने के बाद जिस तरह यहाँ पर दिखा रही हूँ उस तरह हेना डिज़ाइंस को लगाने के बाद साइडों में, मिडिल में, कॉर्नर्स में, जैसा आप चाहें, बस इससे हमारे हाथों पर एक अच्छा लुक आता है। स्पेशली कुछ ओकेशंस रहे, पार्टीज रहे, तब हमारे हेना में कुछ डिफरेंट लुक नज़र आता है। अगर आप चाहें तो इसको स्किन पर यानी डायरेक्ट प्लेन हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर गोल्ड कलर रहने से उतना नहीं दिख रहा, आप कुछ डिफरेंट कलर वाले यूज़ कीजिएगा, जैसे पिंक, रेड, या आप मल्टी कलर वाला यूज़ कर लीजिए और भी शाइन दिखाई देगा। अब हम देखते हैं ये कितनी देर रहेगा हमारे हाथों पर। इसको अप्लाई करने के बाद, ड्राई हो जाने के बाद ये लगा हुआ रहेगा। यहाँ पर देखे जी, ड्राई होने के बाद ये नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये हरगिज़ नहीं निकलेगा, जब इसको पानी या वाटर लगेगा हाथों पर तब ये रिमूव हो जाएगा, यानी इसका स्टेन भी हमारे स्किन पर नहीं आएगा, बस ये टेम्पररी टैटू के तरह रहेगा। जब हम फंक्शंस कंप्लीट होते हैं, रिटर्न हम इसको वॉश करना चाहते हैं, तब हम इसको पानी से धो लें, ये निकल जाएगा। इस तरह के कुछ डिफरेंट ग्लिटर हेनास हम ज़्यादा से बैक हैंड साइड अप्लाई करते हैं, क्योंकि सबसे पहले लुक बैक हैंड पे नज़र आएगा, तो इसीलिए हम फ्रंट हैंड से ज़्यादा बैक हैंड पर अप्लाई करते हैं। तो देखें जी किस तरह निकल जाएगा, जैसे हमने अप्लाई किया ही नहीं था, इस तरह वो क्लीन हो जाएगा। बस हमें लाइट से इस तरह से रब कर दे, वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आप लोगों के फरमाइश का वीडियो। तो जी देख लें, हमने अप्लाई भी किया और उसको रिमूव भी कर दिया। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के फरमाइश की अनदर वीडियो।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ आपकी जोया, अल्लाह हाफिज़।